कहते हैं जोश, जुनून और जज्बा हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा ग्राम पंचायत समिति के रूहेपाली गांव के दो भाइयों ने भी अपनी मेहनत के बूते सफलता की नई इबारत लिखी है। दोनों भाइयों ने गर्मी के मौसम में अनार का उत्पादन किया है। मरुधरा में 60 बीघा जमीन में लाखों रुपए के अनार का उत्पादन कर रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने फसल चक्र अपनाया और गर्मी के मौसम में भी अनार का उत्पादन कर लिया। इसकी शुरुआत 2004-05 में की थी, जब 20 बीघा अनार के पौधे वहाँ से महाराष्ट्र से मंगाए गए थे और उसके बाद जब बढ़ाए, जो यहीं से पौधे तैयार करके यहीं बढ़ाए, अभी 50-60 बीघा में अनार है। पहले बड़े भाई महाराष्ट्र में ट्रैक्टर कंप्रेसर का व्यवसाय करते थे। वहाँ अनार का अच्छा उत्पादन देखकर अपने यहाँ शुरुआत की। युवा किसानों ने अपने यहाँ अनार की कांधारी किस्म लगाई है। अनार की ये किस्म सिर्फ महाराष्ट्र में बोई जाती है, लेकिन वर्तमान में ये किस्म वहाँ भी खत्म हो चुकी है। कांधारी किस्म के अनार के दाने बिल्कुल लाल होते हैं। इन भाइयों ने 60 बीघा जमीन में 4000 पौधे लगाए हैं। 100 से 120 रुपए प्रति किलो होलसेल के भाव में अनार बिक रहा है। ये क्वालिटी अपने पास ही है और आज के मतलब कम से कम मैं 2004-05 में लेके आया था महाराष्ट्र से, वहाँ भी करीब करीब खत्म हो गई है। युवा किसानों के मुताबिक वे फसल चक्र अपनाते हैं, इसलिए गर्मी के ऋतु में भी अनार का उत्पादन होता है। सर्दी की ऋतु में जब अनार के पौधे पर फ्लावरिंग आती है, तब उनकी फ्लावरिंग को तुड़वा देते हैं, जिससे गर्मी की ऋतु में ही उत्पादन होता है। गर्मी की ऋतु में अनार का उत्पादन होने से अच्छा भाव और अच्छा मेहनताना मिल जाता है। इसमें साल के सभी खर्च निकालकर 50 से 60 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। फसल चक्र को बदलने के लिए जब अनार के पौधे पर फूल और इस तरह के आते हैं तो उनको लेबर लगा के तुड़वा देते हैं और फिर सर्दी में रेस्ट मिल जाता है पौधों को थोड़ा, और फिर जब लेना होता है तब अपन इसकी पतझड़ करके फिर नई प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि युवाओं को शिक्षित होने के बाद रोजगार के लिए भटकना नहीं चाहिए। अगर खेत के लिए जमीन है तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर हॉर्टिकल्चर में उद्यान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पक्षियों से अनार को बचाने के लिए बागान में नेट लगी है। ड्रिप सिस्टम से पानी दिया जाता है, इससे पानी की बचत हो जाती है। यहाँ से रोजाना 100 कैरेट अनार राजस्थान के दूसरे जिलों में बिकने जाते हैं। दोनों भाई नौकरी की बजाय खेती कर लाखों कमा रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। मरुधरा के ये किसान भाई उन लोगों के लिए भी मिसाल पेश कर रहे हैं जो खेती किसानी को लाभ का व्यवसाय नहीं मानते। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।